सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 97 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपर टेट TGT PGT LT UP कांस्टेबल SSC लेखपाल आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आपके लिए हैंडमेड एक्सपर्ट टीम द्वारा बेहतरीन स्टडी मटेरियल तैयार कराया है। आप इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कल रीट को लेकर के जो फैसला हुआ है NCTE के द्वारा और जो है आपके राजस्थान सरकार के द्वारा, ये इस बात को लेकर के स्पष्ट संदेश देता है कि इसको जो किया गया वो केवल राजनीतिक लाभ के कारण किया गया। इसमें इतने बंदर बांट हो चुके थे कि अगर BEd वाले इसमें रह जाते तब तो दिक्कत थी। इसीलिए जो है जोधपुर हाई कोर्ट में इसकी पैरवी करके BEd वालों को एक साजिशन जो है मतलब बाहर कराया गया और इस तथ्य का निराकरण अब सुप्रीम कोर्ट में होना तय है। क्योंकि विभिन्न मुद्दों को लेकर के, विभिन्न चीजों को लेकर के हमने भी चर्चाएं की थी, अधिवक्ताओं से भी की थी और एक जज महोदय हैं सिविल कोर्ट के, उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनसे भी चर्चा हुई थी। तो जाहिर सी बात है हर चीजों को स्पष्ट किया गया था और ये बातें पता थी कि इस फैसले का निस्तारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा होना तय है। क्योंकि NCTE का एकाधिकार है भारत के शिक्षकों को की हर्ताओं का निराकरण करने के लिए, उनका निर्धारण करने के लिए NCTE एकाधिकार रखती है और ये अधिकार भारत की संसद ने एक कानून के तहत उसे प्रदान की है। तो जाहिर सी बात है वो तो सारी चीजें फैक्ट थी और ये भी तय था कि NCTE का जो अध्यादेश लागू हुआ है अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTE एक्ट 2009 के तहत, उसमें टेट के साथ कौन कौन सी डिग्रियां उसमें शामिल होंगी, कौन कौन से अध्यापक उसमें बनेंगे, क्या अर्हताएं होंगी उनकी, ये सारी चीजें NCTE ही कंफर्म करती है। और NCTE के कार्य में सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं देता। वैसे भी ये मुद्दा एक बार पहले भी जा चुका था, तो सारी चीजें उसके बाद आनन फानन में क्या हुआ, रीट की Level 2 की परीक्षा कल गवर्नमेंट ने निरस्त कर दी, उसमें धांधली आदि का आरोप लगा करके कि पेपर आउट हो चुका था, लीक हो चुका था, उसमें कितने उनके मंत्री मिनिस्टर विधायक सांसद कितने बंदर बांट किए थे। जाहिर सी बात है ये सारी चीजें वो अब सामने दिखने लगा है, तो तत्काल प्रभाव से इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। लेकिन अब एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें पुनः से BEd वाले विद्यार्थी Level 2, Level 1, Level 3 इन सभी लेवलों पर वो शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही मजबूत काउंटर NCTE केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लगाया है, उसमें विजय जो होनी है वो BEd के अभ्यर्थियों की ही होनी है और BEd के अभ्यर्थी पुनः से ही ये सारी चीजें जो है वो उसमें शामिल होंगे और उस प्रक्रिया में भाग भी लेंगे। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब आपकी सुनवाई भी होने लगी है और आयोग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि संस्थानों से एक प्रस्ताव बना करके भेजा गया है, संस्थानों से विचार कराया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास अप्रैल में और मई में सेंटर आदि खाली हैं, सेंटरों का निर्धारण होने के पश्चात तत्काल प्रभाव से विज्ञापन हम जारी करेंगे ताकि परीक्षा को कराने में हमें कोई आपत्ति और कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। चूंकि शासनादेश है, शासनादेश के पश्चात अब इनको 1 जुलाई तक शिक्षकों की नियुक्तियां आदि करके विद्यालयों में प्रेषित करना है उन्हें, तो ये सारी प्रक्रियाएं फास्ट ट्रैक पे होंगी। आपको मैं यह बता देना चाहता हूं कि विज्ञापन यथाशीघ्र किसी भी दिन आपका जारी हो सकता है LT ग्रेड का, GIC प्रवक्ता का। और रही बात आपके TGT PGT की, TGT PGT का समायोजन आदि का जो मुद्दा है वो 14 तारीख तक वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपका TGT PGT का भी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। निश्चिंत रहें आप, जिन पदों की संख्या TGT PGT में भी इस बात पर्याप्त है और LT ग्रेड और GIC में भी पर्याप्त पदों की संख्या है,
आपको किसी भी तरीके से गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके के कंटेंट, जिस तरीके की बातें आपके सम्मुख लाई जाती थी, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव चीजें सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आपको हमेशा से ही दिया है। और जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के निराश हैं कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर या जूनियर लेवल की कोई भर्ती आएगी, मैं उन विद्यार्थियों से, उन भाई बहनों से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोग सुपर टेट आदि की तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, विज्ञापन आपका आना सुनिश्चित है, तय है। जिस तरीके से यह कहा गया था कि टेट की परीक्षा 2021 वो निरस्त हो जाएगी, शासनादेश जारी हो चुका है और शासन ने, पीएनपी ने डिसीजन ले लिया है कि हम निरस्त कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने आपको स्पष्ट ही बता दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वजह यही थी कि ऐसा अगर होता तो पहले से ही सारी चीजें, अधिकारियों से भी संपर्क है, वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन किसी भी परीक्षा को निरस्त करना, वो भी 23 लाख विद्यार्थियों के बड़े पैमाने स्तर पर, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए जब टेट का परीक्षा नहीं निरस्त हुआ, आपका आंसर किया गया है, अब फाइनल आंसर किया आएगा, उसके बाद आपकी 25 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, इसके साथ ही आपका सुपर टेट का विज्ञापन आदि आएगा, उसकी परीक्षाएं अप्रैल मई में प्रस्तावित हैं, तो जाहिर सी बात है आपको तैयारी करने की और सफलता अर्जित करने की आवश्यकता है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपको बेहतरीन स्टडी मटेरियल आदि उपलब्ध करा रहा है, आप 97 41 13 85 पर संपर्क करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। यूपी कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आ रही है 26,000 से अधिक पदों पर, उसका विज्ञापन आपको 17 तारीख तक देखने के लिए मिल सकता है। जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके आधार पर मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको फरवरी के द्वितीय या तृतीय सप्ताह में यह विज्ञापन देखने के लिए अवश्य ही मिल जाएगा। इसलिए जो भी भाई बहन पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो तत्परता से, तन्मयता से, आत्मीयता से सफलता की ओर अपने अग्रसर हों और उन्हें माँ सरस्वती अपना आशीर्वाद प्रदान करें और वो सफल हों, इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।